यूपी के गोंडा से बड़ी खबर, जीपीएफ घोटाले का पुलिस ने किया पर्दाफाश। 27 लाख रुपए नगद सहित 1,58,75,00,000 की हुई रिकवरी। लगभग 14 करोड़ की संपत्तियां भी की गई सीज। 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में एक लेखपाल व एसओसी का अकाउंटेंट भी है शामिल। ट्रेजरी अधिकारियों की मिलीभगत से वो घोटाला, 100 से अधिक लोग बनाए गए अभियुक्त। आगे की जांच बड़ी जांच एजेंसी कराने की सिफारिश। नवाबगंज क्षेत्र के 45 खातों में पिछले 3 सालों में आए 6 करोड़ रुपए। स्वात टीम व स्थानीय पुलिस को मिली बड़ी सफलता। सर, कुछ अलग तरह का खुलासा है और बड़ी रिकवरी है, कुछ लोग गिरफ्तार किए गए हैं। सर, क्या है पूरा मामला, किस तरह खुलासा है? पूरा प्रकरण ये है कि थाना नवाबगंज से एक सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें कि स्टेट बैंक के खातों में फर्जी गबन करके कुछ पैसे लाए जा रहे हैं कुछ लोगों द्वारा, और उसकी जो है संदिग्ध तरह से कार्रवाई कर रही है। इसको देखते हुए इस पर हम जाँच कराए, अपनी सीवी टीम लगा करके जाँच में पाया गया कि कुछ व्यक्ति मिल करके फर्जी जीपीएफ के नाम पर नई आईडी बना करके और पैसे निकाल करके स्टेट बैंक खातों में ट्रांसफर करा रहे हैं, और जिनके खातों में ट्रांसफर हो रहा है उनको कुछ रकम देकर बाकी रकम उसे ले ले रहे हैं। ये जो खुलासा हुआ, इसमें मुकदमा कायम किया गया। मुकदमा कायम करने के बाद 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें कि अरुण वर्मा गोरखपुर में चंदी कार्यालय उनके बाबू हैं, और साथ में एक लेखपाल राजेश पाठक, जो भी जो इसके दो इसके सहयोगी थे। ये लोग आईडी अपनी स्टेट बैंक का या किसी बैंक का खाता देते थे और वहाँ से पैसा से दबा कर ये लोग उसको निकाल के आपस में बांट देते थे। इस तरह से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, और लगभग 11 करोड़ की जो है भी हमारे पास है, जिसमें कि मकान, उनकी ज़मीनें और नगद पैसे भी हैं, और बैंक में जमा हुए पैसे भी हैं। इसमें यह था कि ये फर्जी आईडी क्रिएट करते थे, आईडी क्रिएट करके उसके जो है जीपीएफ नाम पर पैसा निकाल देते थे। एक बार में 7 से 8 या 9 लाख निकाल देते थे। 10 लाख से ऊपर निकालने पर बैंक से पूछताछ हुई, से बचने के लिए 9 लाख निकालते थे, और उसको जिस अकाउंट में ले जाते थे उससे कुछ पैसा दे करके बाकी उसे निकाल लेते, आपस बांट देते थे। कई वर्षों से कार्य कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया कि अब तक 11 करोड़ तक का ब्यौरा दिया हो, लेकिन यह काफ़ी और बड़ा है। कैश की कितनी रिकवरी हुई है सर? कैश की रिकवरी 26,75,000 कैश रिकवरी है, और 1.5 करोड़ के आसपास जो है उनको बैंक खाते सीज कराए, जिसमें पैसा पर मौजूद है। कुछ सामान भी बरामद हुआ? सामान में जो है कि एक ज्वेलरी शॉप को भी सीज किया गया, जिसमें गोरखपुर में दो रखा था, और साथ में लैपटॉप और इसमें लैपटॉप है, मोबाइल फ़ोन है, डेस्कटॉप है, और कर्मचारियों में आईडी। कितने लोगों को सर टोटल इसमें मुकदमा दर्ज किया गया है, या कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई? 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोरखपुर से जो मंदिर का बाबू है राजेश पाठक, और साथ में 3 अन्य सहयोगी जिनके खातों में पैसा आया जो सहयोग कर रहे थे, या जो ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले नानू हो रहे हैं। सर, क्या कुछ और जिलों में ये जालसाजी का जो है धंधा और भी जिलों में चल रहा है इनका? अब इसको गंभीर जाँच की जा रही है,